हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुलिपि शॉर्ट एंड। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी डिक्टेशन की है। ये डिक्टेशन हिंदी शॉर्ट एंड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से रहेगी। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, तो ये जो डिक्टेशन है आपकी, ये 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से रहेगी। सो आप पेन या पेंसिल जो भी यूज़ करते हैं, अपनी डिक्टेशन बनाना, आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड हिंदी डिक्टेशन। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री जी ने भी इस आरोप के बचाव में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराया जाए। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह आरोप भी तर्कसंगत है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। आदिवासियों और हरिजनों पर हुए अत्याचारों ने कितना भयंकर रूप धारण किया है, यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया है और उनके घरों में आग लगा दी गई है। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें इस प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। वक्तव्य में राज्यवार ब्योरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार
कि सत्यता में कोई संदेह रह जाता है। वक्तव्य में यह बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, परंतु यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही है। बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर सकी। ऐसी सूरत में अत्याचार करने वालों का उत्साह बढ़ेगा और लोगों का प्रशासन से विश्वास खत्म हो जाएगा।